हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी भी स्वस्थ और मस्त होंगे। एंड आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरी खुद की इन्वेंशन है। आज क्या हुआ, आज संडे था तो शाम को थोड़ी थोड़ी हम सभी को भूख लगी, तो मैंने सोचा कुछ अलग सा बनाया जाए, तो जिसको मैंने नाम दिया है हेल्दी कबाब यूनिक रेसिपी। हाँ जी, चलिए देखते हैं। तो इस रेसिपी को मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए लिए हैं मैंने आलू, और अब इन आलू को मैं क्या करूँगी, अच्छे से वॉश कर लूँगी। अब मैंने इनको अच्छे से मसल के इन आलू को अच्छे से धो लिया है। फिर मैं इनको कुकर में डाल के लगभग 5 सीटी मैं इसमें लगाऊंगी, क्योंकि मेरा कुकर छोटा है। वैसे तो नॉर्मली जो कुकर होता है उसमें 2 या 3 सीटी में जो आलू होते हैं बॉयल हो जाते हैं, लेकिन मेरे कुकर में 5 सीटी लगती है। और फिर मैंने इसमें डाला थोड़ा सा नमक। नमक डालने से क्या होता है, एक तो हमारा जो आलू का जो टेस्ट होता है वो उससे बढ़ जाता है। जो नमक होता है, जब आलू बॉयल होता है तो नमक आलू के अंदर तक चला जाता है, फिर हम जब हम इसको खाते हैं तो हम तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। आलू बॉयल करते समय ना, तो हमारे आलू जो हैं पानी में पूरी तरह डूबे हुए होने चाहिए, तभी वो अच्छे से पकेंगे। अब मैंने कुकर बंद कर दिया है और इसमें लगाएंगे 5 सीटी। अभी मैंने इसमें 5 सीटी लगा दी है और इसकी सारी जो विसल थी निकल चुकी है। अब मैं देखती हूँ मेरे आलू अच्छे से बॉयल हुए कि नहीं। मैंने नाइफ़ लिया और नाइफ़ को डाल के देखा, अरे ये तो बिल्कुल अच्छे से नाइफ़ आलू के अंदर चले जा रहा है, तो इसका मीन्स कि ये हमारे आलू जो हैं अच्छे से बॉयल हो गए हैं। अब मैंने इनको एक प्लेट में बाहर निकाल लिया। अब सारे आलू को अच्छे से हम पहले इनको ठंडा कर लेंगे और फिर इनको हम पील करेंगे। इस तरह से आलू को अगर आप बॉईल करके देखेंगे ना, और फिर कोई भी रेसिपी, आलू का परांठा या आलू से कोई भी स्नैक्स बनाएंगे, अगर हम नमक डालते हैं ना, तो उससे आलू के जो टेस्ट होता है कई गुना बढ़ जाता है। अब मैंने लिए हैं 2 प्याज, इनको मैंने पील लिया, ढेर सारी हरी मिर्ची, क्योंकि मुझे चटपटा स्नैक्स पसंद है इसलिए मैंने हरी मिर्ची ज़्यादा ली है। अब मैंने लिया है मेरा बटरफ्लाई का ग्राइंडर, हैंड ग्राइंडर। अब मैं क्या करूँगी, इसको प्याज को रफली चॉप किया मैंने, इसमें रफली चॉप करके डाल दिया और फिर मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा बारीक ग्राइंड करूँगी, क्योंकि सीरप को जो है, और जो सीरप को ना प्याज ज़्यादा अगर बड़े बड़े मुँह में आते तो उसको अच्छे नहीं लगते, तो मैं इनको इतना बारीक कर देती हूँ कि उसको पता भी ना चले और वो प्याज भी खा ले। अब देखो मैंने इसको इतना बारीक कर लिया है, अब वो स्नैक्स में खाएगी तो उसको पता भी नहीं चलेगा। अब इसके बाद मैंने इनको पीसने के बाद अब मैं लूँगी हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची को भी मैंने हाथ से ही तोड़ के डाल दिया, क्योंकि इसमें अच्छे से तो पीसी जाती है, तो क्या चाकू उठाना डायरेक्ट हाथ से इसको। अभी ये मुझे थोड़ी ख़राब लगी तो मैंने निकाल दी, अभी एक मिर्ची ख़राब थी पीछे। अब मैंने इनको भी रफली चॉप कर लिया और अब हम इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये मेरा हैंड ब्लेंडर है, बहुत प्यारा, ये बहुत यूज़फुल है, और इससे जो है काम भी फटाफट हो जाता है, वरना इतना बारीक अगर हम पीसने बैठते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है, और इससे क्या होता है जल्दी जल्दी हो जाता है। अब देखिए मैंने कितनी बारीक हरी मिर्ची ऐसे करके पीस ली है। अब ये मैंने एक तरफ हमारी हरी मिर्ची, ये जो था मैं क्या कर दी थी, मैंने आटा भी शाम के लिए खाने के लिए लगा के रख दिया। अभी वो साथ साथ, क्योंकि इतने जो हमारे आलू हैं वो ठंडे होंगे, मैंने सोचा इतने में आटा भी लगा के रख देती हूँ तो जल्दी काम हो जाएगा, सिर्फ सब्जी बनानी ही रह जाएगी। अभी मैंने आटा गूंद के रख दिया। अब मैं हमारे आलू को अच्छे से छीलेंगे। अभी आलू बहुत गर्म लग रहा था मुझे, लेकिन इसको गर्म गर्म ही छीलना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम गर्म गर्म आलू को छीलने के बाद मैश करते हैं तो वो बहुत अच्छे से इजीली मैश हो जाता है। अगर आलू को छीलने के बाद हम रख देते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए, कि ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इनको छीलेंगे, तो इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, चिकट चिकट सा आलू हो जाता है, उससे फिर वो छिलका ना आसानी से उतरता भी नहीं है, और फिर आलू को छीलने में मज़ा भी नहीं आता। अभी और जैसे गर्म आलू होता है थोड़ा, तो जल्दी से छिलका एकदम से उतर जाता है। आलू गर्म लग रहा था, मैंने नाइफ़ का यूज़ किया तब,
अब भी ऐसे करके ना मैंने अपने सारे आलू को छील लिया और मैशर के साथ उनको अच्छे से मैश कर लिया। देखिए इस तरह से अभी आलू को मैंने अच्छे से सारे आलू को अच्छे से मैश करना है। मैं बिल्कुल स्मूथ इनको मैश करना है, पीस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हम स्नैक्स बनाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें हमने क्या क्या मिक्स किया है। तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से मैंने हमारे आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब भी देखिए इस तरह से बिल्कुल मैंने इनको बारीक पीस लिया है और इसको अभी मैं रख देती हूँ साइड में। अभी चलते हैं हमारे हाँ जी, अब हम डालते हैं जीरा, अजवाइन और हींग और थोड़ा सा नमक और बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्ची और सूखा धनिया। मैं क्या करूँगी, इसको हाथ से ही अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि जो हमारे मसाले हाथ से अच्छे से मिक्स होते हैं ना, वो ना तो स्पैटुला से मिक्स होते हैं ना किसी स्पून से। मैंने इनको अच्छे से हाथ से अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लिया है और बिल्कुल एक अच्छा सा बैटर बना लिया। मैंने साथ साथ इसमें प्याज भी मिक्स कर दिए हैं और ये हरी मिर्ची अभी तो मैं इसमें कम मिक्स करूँगी, क्योंकि सीरप को इतनी अच्छी लगती, तो उसके लिए जो स्नैक्स बनाऊँगी उनको थोड़ा अलग से कर दूँगी, और जो हमारे लिए स्नैक्स बनेंगे सीरत के पापा और मेरे लिए, उनमें मैं थोड़ी ज़्यादा हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी। अब बात आती है हमारे मेन स्नैक्स की ओर। अभी मैंने इनको आलू को इसमें निकाल लिया है, मैंने लिए 3 ब्रेड और ये लिया पोहा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, पोहे में पानी डाल के रख दूँगी उसको सोक होने के लिए लगभग 15 से 20 मिनट तक ये पानी में सोक हो जाएगा। उसके बाद हम लेंगे हमारे ब्रेड और हमारे ब्रेड को हम मिक्सर जार में डालेंगे और इनके छोटे छोटे टुकड़े करके मैं डाल देती हूँ। इससे क्या होगा कि मिक्सर जार में हमें इनको बिल्कुल एक तरह से ये लगा लीजिए कि बिल्कुल बारीक पीसना है, जैसे ब्रेड क्रम्ब होता है ना, बिल्कुल ऐसे पीस लेना है। इससे क्या होता है कि जब हमारा जो स्नैक्स होगा ना, उसमें जो कुरकुरापन ब्रेड क्रम्ब से आता है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए बिल्कुल ब्रेड क्रम्ब जैसा हो गया है, ये घर का ही अभी ये ब्रेड क्रम्ब बन गया। आप ऐसे भी बना के रख सकते हैं, फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि कोई भी स्नैक्स जल्दी से बन जाए। अब मैं इसको भी एक बाउल में निकाल लेती हूँ। ये हमारे स्नैक्स का मेन इंग्रेडिएंट्स है। अब हमारा पोहा, जिसे हमने लगभग 15 से 20 मिनट तक सोक होने के लिए रखा था, उसको अच्छे से वॉश करके मैं निचोड़ के और इसमें हमारे ब्रेड क्रम्ब में ऐड कर दे रही हूँ। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैंने ब्रेड क्रम्ब और जो हमारा पोहा था सोक किया हुआ, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी हम जो ये आलू, ब्रेड क्रम्ब और हमारा जो पोहा था, इन सभी को, तीनों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मेन बात ये है ना कि ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स होना चाहिए। मैंने इसको, जैसे हम आटा गूंथते हैं, ऐसे ही मसल मसल के इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी खड़ा खड़ा रह गया ना, तो फिर बाइंडिंग नहीं आएगी। अभी मैंने इसमें ना थोड़ा नमक डाल दिया और थोड़ी सी हींग और डाल दी, क्योंकि हींग हमारे सेहत के लिए अच्छी भी होती है। और हम इसमें ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि जब हमने आलू का मसाला बनाया था तो उसमें हमने सारे जो हमारे उसको हाथों पे अच्छे से लगाऊंगी और फिर एक इनके अलग अलग शेप में इनको हमारे स्नैक्स के लिए रेडी करूंगी। मैंने हमारे स्नैक्स को अभी अच्छे से बना रही हूँ। अभी मैंने पहले हमारे स्नैक्स को दी है राउंड शेप, जो कि इसको हम टिक्की भी बोल सकते हैं और सर्कल शेप भी बोल सकते हैं और आप कबाब भी बोल सकते हैं। अभी मैं दूसरी शेप बनाऊँगी जो कि होगी मैथ्स में तो उसको सिलेंडर शेप बोल देते हैं। वैसे जब भी हम होटल्स में जाते हैं तो जो हमारे स्नैक्स होते हैं मोस्टली इसी शेप में हमें मिलते हैं। इसको मैं सिलेंडर शेप, क्योंकि जब मैं सीरत को स्टडी कराती हूँ तो इस टाइप की शेप को सिलेंडर शेप बोला जाता है। तो मैंने सिलेंडर शेप में भी कुछ हमारे बना लिए और कुछ मैंने स्क्वेयर शेप में बना लिए। अब जो आपको पसंद हो आप वही शेप इसको दे सकते हैं। अब इस तरह से करके धीरे धीरे मैं मेरे सारे स्नैक्स को रेडी कर लूँगी। इनमें एक ख़ास बात ये होती है ना कि जैसे बाज़ार में मिलते हैं, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, कि हार्ट शेप बना सकते हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, बहुत सारे शेप के आजकल अलग अलग
जो हमारे डिशेस आए हुए हैं वो कोई भी शेप आप दे सकते हैं। अब मैंने लिया है एक पैन और उसमें डाला है ऑयल। अब हम ऑयल को गर्म करके रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने अपने कुछ कबाब जो हैं उनको अच्छे से रेडी करके रख लिया। अब हम एक एक करके हमारे तेल में इन कबाब को डाल देंगे ऐसे। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें जो हमारी गैस है उसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, हमें बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम, यानी आप ये लगा लीजिए कि हमें 100 में से 40% फ्लेम इसमें चाहिए, 40% तक। अब मैं इस कढ़ाई को इसलिए घुमा रही हूँ ताकि जो ऑयल की कोटिंग है ऊपर भी हमारे स्नैक्स पे चली जाए, क्योंकि मैंने एकदम इनको डीप नहीं किया है कि डीप तक चले जाएं। अब मैंने इनको लगभग 5 मिनट के बाद हमारे स्नैक्स को टच किया है। देखिए थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अभी मैंने फोक लिया है, फोक से मैं क्या करूँगी इनको अलट पलट कर लूँगी। यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको इनको उल्टा पलटी करना है, हमें इनको 5 मिनट से पहले नहीं टच करना है, नहीं तो ये फट जाएंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है। अब मैंने इनको सबको धीरे धीरे अलट पलट कर लिया है। अभी एक दो स्नैक्स पे मेरा फोक भी लग गया था, थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा वो फट गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी मैं अपने जो स्नैक्स हैं उनको एक एक करके, बिल्कुल ये क्रंची हो गए हैं जैसे दिख रहे हैं ना, वैसे इनका खाने में टेस्ट है। अब मैं क्या करूँगी, जो हमारे बाकी के भी स्नैक्स हैं उनको भी, जब वो फ्राई हो रहे थे तो मैंने इनको भी बना के साथ साथ रख लिया था और वो भी सारे इसमें एक साथ डाल लिए। अब इनको भी हम अलट पलट कर लेंगे और देखिए कितना अच्छा सुंदर ब्राउन हो गया है। अगर हम इनको पहले टच करेंगे तो ये फट जाएंगे, इस बार मैंने बिल्कुल टच नहीं किया। और देखिए इनको एक एक करके अब मैं इनको बाहर निकाल दी हूँ। देखो कितना क्रंची, क्रिस्पी और यमी लग रहा है ना, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखना, आपके भी बिल्कुल अच्छे लगेंगे। अब मैंने इन सभी को अपनी प्लेटिंग में निकाल के रख लिया और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो ना तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें और खूब सारा शेयर करें। मुझे तो देख के अभी मन